and welcome to Kitchen with NEQ. आज की हमारी रेसिपी है लैम चॉप्स या मटन चॉप्स। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे और फिर बहुत ही मजे से पैन पे बनाएंगे, हैवी वेस्ट पैन पे। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। इट्स रियली क्विक एंड इजी और आपको बहुत मजे की लैम चॉप्स रेस्टोरेंट स्टाइल की बन जाती है घर में। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपनी मैरिनेशन के साथ। ये जो मैरिनेट है मैं नियरली 1.5 kg लैम चॉप्स के लिए बनाऊंगी। सबसे पहले इसमें ऐड करूंगी अबाउट 4 tablespoons ऑफ योगर्ट। मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी का सारा फ्लेवर जो है वो लैम में अब्सॉर्ब हो जाएगा। वो दही में मैं ऐड करूंगी 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 2 teaspoon में ऐड करूंगी ये चिली फ्लेक्स के। अगर आपको मिर्चें कम पसंद है तो ये 1 teaspoon डालें। 2 teaspoon है ये कुटा हुआ धनिया, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और टेक्स्चर भी क्रंची मजे का होगा। 1.5 teaspoon जीरा क्यूमन का पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे गार्लिक के ग्रेन्यूल्स या लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1/2 teaspoon फ्रेश गार्लिक का पेस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। साथ में ऐड करूंगी 1 teaspoon अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास है टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, नेशनल का या किसी भी कंपनी का आप यूज करते हैं, इससे जरा इसका टेस्ट मजे का हो जाता है। ये 1 tablespoon कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चॉप्स की। 2 tablespoon कॉर्नफ्लावर के ऐड करूंगी, इससे जो है मसाले वो इस पे चिपके रहेंगे लैम चॉप्स पे। साथ में नीली 2 tablespoon है लेमन जूस। साथ में मेरे पास आई है 1.5 teaspoon नमक या हस्बे जायका अकॉर्डिंगली। अब इन सब को आप मिक्स कर लें। ये बेस होगी फ्लेवर की, इससे अच्छी तरह से मैरिनेट होंगे लैम चॉप। तो हमारा मैरिनेट तैयार है। दिस इज द बेस फ्लेवर, इससे सब चॉप्स का फ्लेवर जो इस पे डिपेंड करता है, इसलिए मेक श्योर कि अच्छी तरह से हर चीज जो है वो मिक्सड इन हो। अब एक एक लैम चॉप लेके इसको अच्छी तरह से इसमें डिप कर लें। जब ये सब मैरिनेट हो जाता है तो आप इस स्टेज में भी फ्रीज कर सकते हैं आराम से पोर्शंस में, और फिर उनको निकाल के तो डिफ्रॉस्ट कर दें ओवरनाइट, नेक्स्ट डे आप उसको फिर कुक कर सकते हैं। सो अ वेरी इजी वे टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, आप इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके आराम से फ्रीज कर दें बैचेस में, जब भी आपको जरूरत हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये हमारी चॉप्स अच्छी तरह से मिक्स इन हो गई है। पहले मैंने एक एक इंडिविजुअली जो है उसको मसाला लगाया और फिर सबको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स इन कर लिया। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है ऑयल, अबाउट 4 tablespoons ऑफ ऑयल। इसको भी मिक्स इन कर लें। अब इसको हम कवर करके रख देंगे मैरिनेट को अच्छी तरह डॉग होने के लिए फॉर मिनिमम 2 hours, ताकि जो लेमन जूस है और बाकी सब मसाले हैं अच्छी तरह से इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। हमारा गोश्त जो है वो मैरिनेट हो गया है अच्छे से। ये देखें कितना अच्छा है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। यहाँ मैंने मीडियम हीट पे पैन रखा है, इसमें मैं डालूंगी अबाउट 4 to 5 tablespoons ऑफ ऑलिव ऑयल और एनी कुकिंग ऑयल। और अब एक एक करके हम चॉप्स ऐड करते जाएंगे। पैन को ओवरक्राउड नहीं करना, इसको अच्छी तरह से अब मीडियम हीट पे रखें, ज्यादा ऊंची नहीं, ताकि अच्छे से कुक थ्रू हो जाए, बर्न ना हो जाए। तो अभी नियरली 3 minutes हो गए इस साइड से, अब हम इसको फ्लिप ओवर कर देंगे। देखिए कितना अच्छा मजे का ब्राउन कलर आ गया इससे, इसी तरह सबको टर्न ओवर कर लें। अब इस साइड से भी हम नियरली 3 minutes के लिए इसको कुक करेंगे। आप इसको बार बार नहीं पकाएं वरना ये ड्राई आउट हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेगा वो। तो रिमेंबर की 3 minutes ऑन वन साइड कंटिन्यूसली एंड देन 3 minutes ऑन दी अदर। और इसी तरह से जो बाकी आपकी लैम चॉप्स है वो भी ड्राई करें।
हमारी चॉम्स तैयार हैं। देखिए कितनी मजे की जूसी बनी है, मसाले उसके ऊपर अभी तक चिपके हुए हैं क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। इट्स रियली यमी। मैं आपको इसमें से एक पीस कट करके दिखाती हूँ। हाउ सॉफ्ट इट इज, बिल्कुल टेंडर हो गई है। लुक एट दिस, आराम से गोश्त जो है वो अलग हो रहा है बोन से। तो ये देखें कितना जूसी और फ्लेवरफुल है लैम चॉप्स का पीस। सब मसाले जो है वो नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हुआ हुआ। या मैंने स्पाइसी मेयोनेज़ इसके साथ रखी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका रेसिपी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो मैंने पहले बनाई हुई है। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया ऐड किया है फ्लेवर के लिए, लैम के साथ अच्छा होता है। प्लीज डू रिमेम्बर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।